रतन टाटा को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। उनके निधन के 8 दिन पूरे होने के बाद वकील डेरियस खंबाटा और उनके करीबी दोस्त व सहयोगी महली मिस्त्री को लेकर रिपोर्ट है कि दोनों को रतन टाटा की वसीयत के निष्पादक के रूप में नियुक्त किया गया है। जी हाँ, साथ ही उनकी सौतेली बहनों शीरीन और डिनना जेजी भॉय को भी नियुक्त किया गया है। अगस्त में जारी हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार रतन टाटा के पास टाटा सन्स में 0.083% की हिस्सेदारी थी और उनकी कुल संपत्ति बताई गई थी 7,900 करोड़ रुपए। अब बता दें कि 9 अक्टूबर की तारीख को 86 की उम्र में रतन टाटा तो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। अब रिपोर्ट्स द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार उनकी सौतेली बहनें शीरिन और डिनना जीजीवाई को भी उनकी अंतिम इच्छाओं को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया है। रतन टाटा हमेशा से अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज के लिए दान करने की इच्छा व्यक्त करते थे। उनकी वसीयत की बारीकियां निजी रहेंगी। समूह की सूचीबद्ध संस्थाओं में टाटा सन्स की हिस्सेदारी का बाजार मूल्य लगभग 16.71 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। टाटा के निधन के बाद उनके सौतेले भाई नोएल ने टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष का पद संभाला है। तो यहाँ पर अंतिम इच्छा जो है रतन टाटा की पूरी की जाएगी। उनके वसीयत को लेकर ये खुलासे हो गए हैं बड़े, और जो जिम्मेदारियाँ मिली हैं 7,900 करोड़ रुपए की, उसमें रतन टाटा के वकील और लंबे समय से सहयोगी महली मिस्त्री के अलावा उनकी सौतेली बहनें हैं जिन्हें संभालने की मिली है जिम्मेदारी। नेक्स्ट 9 न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।